नमस्कार स्टूडेंट, सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब पर। फिर से क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है छत्तीसगढ़ कौशल वाड़ा का, साथ ही शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए। अगर आप कौशल वाड़ा में शिक्षक भर्ती सीजी व्यापक जैसे परीक्षाओं की तैयारी करें तो बिल्कुल सही वीडियो पर निकल आए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बारे में, जिसका क्वेश्चन करेंगे 50 सब्जेक्ट ही क्वेश्चन। 50 सब्जेक्ट के क्वेश्चन 50 मिनट में करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेली बने रहिएगा, डेली आप लोग एमसीक्यू कीजिएगा प्रैक्टिस सेट के साथ, पूरा डायरेक्ट आपको आंसर कराते जाऊंगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर या फिर इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, यहां पर देखिएगा मैं आपको नंबर बताने जा रहा हूं, उस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर फ्री पीडीएफ पाना चाहते हैं, इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके, चलिए अब मैं बात करूं डायरेक्ट। तो बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह कौन सा है? कुछ सामान्य बुद्धि, जैसे कि अगर बच्चे की जो बुद्धि होती है, बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 के जो बीच में होती है, ठीक है, किसके किसके मध्य है? 90 और 110 के मध्य होती है, उसको हम सामान्य बुद्धि कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने यह रहा कि बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो अधिकार है, कौन से अधिनियम और कितने वर्ष के बच्चे के लिए लिया गया? तो याद रखना, बच्चे के लिए जो निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क अधिकार है, कितने वर्ष के बच्चों के लिए है? तो याद रखना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए है, ठीक है। इसका आंसर ए होगा, है ना। अगर आप व्यापम जैसे परीक्षा की तैयारी करें, जिसमें आपका हॉस्टल वार्डन, ठीक है, हॉस्टल वार्डन, प्रयोगशाला परिचालक, लैब टेक्नीशियन इत्यादि, पटवारी, अमीन पटवारी, जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिट है अगर आप तैयारी करते हैं। मैं बात करूँ, यहाँ पर देखेंगे हॉस्टल वार्डन का, जिसका सिलेबस में आप 100 नंबर पे 100 प्रश्न पूछे जा रहे हैं 2024 में, जबकि 2016 में 150 अंकों के 150 प्रश्न पूछे गए थे। ओके, चलिए, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? विकासी विधि। जैसे बच्चे की जो बुद्धि होती है, विकास के जो अध्ययन होता है, सबसे ज्यादा जो अच्छी विधि है वो विकासी विधि होती है, विकास, ठीक है। अब देखेंगे, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है। गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें कौन सा नहीं है? तो स्थान संबंधी बुद्धि, ये तो सही है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये भी सही है। और भाषात्मक बुद्धि, ये भी सही है, जबकि भावात्मक बुद्धि, जब गार्डनर ने जब 7 बुद्धि का भी अधिमान किया गया था, निर्धारित किया गया था, तो उसमें भावनात्मक बुद्धि का निर्माण नहीं किया गया, ठीक है, याद, क्लियर हुआ? ठीक है, तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जितने लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, फटाफट जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हर शाम वीडियो आएगी 8:30 को। ओके, 8:30 को हर वीडियो आएगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगी, ऑनलाइन क्लास रहेगा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, क्या बोले? यदि कोई एक बच्चे है, उसकी मानसिक 5 वर्ष, कितना? 5, जबकि वास्तविक कितना है? 4 वर्ष, ठीक। अगर आपको मानना है यदि कोई बच्चे की जो मानसिक आयु वो 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है, तो उसके बच्चे की बुद्धि अधिक क्या हो? 125। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, जो भी आपने पढ़ा होगा, या किसने कहा था? स्किनर ने। स्किनर कहेगा, और कौन कहेगा भाई, ठीक। हिंदी अक्षरों के बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? क्या वो 5 वर्ष में, ठीक है। एलेक्सिया क्या है? तो पढ़ने की अक्षमता एलेक्सिया है। प्याजे के औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था,
आयु के अभी तक मानी जाती है? तो आप बताएंगे इस बार, तो जल्दी बताएं, 11 से 15, कितना? 11 से 15, ठीक। गर्भ में बालक को विकसित होने के कितने दिन लग जाते हैं? जैसे ही महिला जो गर्भ होती है, तो बालक कितने दिन विकसित करना पड़ता है? तो याद रखना 280। कभी भी पूछे गर्भ में बालक का जो विकसित है वो विकसित होने के लिए कितने दिन लगता है? 280 दिन, ठीक। इस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया था, तो एस्ट्रोलॉजी ने 3 साल का जब लड़का था, कितने साल का? 3 साल का जो लड़का था उसकी शरीर को एस्ट्रोलॉजी ने अध्ययन किया है। बालक का विकास कैसे होता है? जो बालक का जो विकास होता है, सिर से पैर की ओर होता है, पहले सिर बनेगा और उसके बाद पैर की ओर, ठीक है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? विकास के संबंध में गलत कथन थे, विशिष्ट समय में सामान्य की ओर से। गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है, शैशवावस्था। कौन सा नहीं है? शैशवावस्था। मुझे भी नींद आ रहा है जी, क्या दो दो तीन तीन दिन क्लास लेना पड़ता है ना, तो है ना, फटाफट करते हैं फिर। मानव जीवन की मनोभौतिक है ना, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता मन तथा शरीर का विकास। गर्भ में सर्वप्रथम क्या निर्माण होता है? सिर, सबसे पहले सिर का निर्माण होगा, ठीक है, उसके बाद पैर। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो ये आपका 206, सॉरी 270, एक मिनट ना, सॉरी सॉरी, जन्म के समय 270 हड्डियां होती है जन्मजात में, ठीक। 206 इसमें आ जाएगा, 306। बालक अपनी माँ को पहचाना प्रारंभ कब कर देता है? 3 महीने के अंदर पहचाना प्रारंभ कर देता है। बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है कैसा होता है? 350 ग्राम, ठीक। कल्पना जगत में विचरण होता है, क्या विचरण होता है? शैशवावस्था। बालक मुख्य मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, किसका? 5 वर्ष के लिए। अभी हम आपको पूरा नहीं, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, कितने? 30। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा तो 3 पहियों की साइकिल चलाना किस अवस्था है? शैशवावस्था। निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होने के प्रयास करता है? प्रकाश के रूप। निम्न में से किस घटना की ओर बालक जो सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? प्रकाश। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए शांत। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? बाल विकास 1930, 1887, 1889, 1590, 1930 में। किशोरावस्था में सामाजिक विकास जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, निम्न कौन है? किसका नहीं पड़ता? असुरक्षा का। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण है जो अवस्था संबंधित निम्न में से है, क्या आएगा? आधारहीन, चिन्ह, आत्मा, विश्वास, ठीक। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रदर्शित करता है, यह कथन किसका है? हरलॉक का। किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतम और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है? स्टैनली हॉल का। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, किशोरा जो अवस्था है आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों का निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का समायोजन है, यह परिभाषा किसने दिया था? इसका जीन पियाजे ने, कितने? जीन पियाजे ने, ठीक है। तो बाकी कला आप लोग आंसर बना के आओ, ठीक है, एक बार पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द लेके आओ जी, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो, एक बार पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सूची व्यापक जैसे परीक्षा, हॉस्टल पार्टन, प्रयोगशाला परीक्षा, जो भी एग्जाम की तैयारी करें, तो हमारे चैनल को क्या करोगे? अभी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। थैंक यू।